हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई आज है संडे और 4:2:1 की स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आज हम लोगों को देने होते हैं टेस्ट। और आज कुछ हम अलग करने वाले हैं, मतलब आज हम जो टेस्ट देंगे वो कुछ थोड़े डिफरेंट होंगे। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि 4 दिन हम पढ़ाई करते हैं, 2 दिन हम रिवीजन, मतलब सैटरडे और संडे का रिवीजन का दिन होता है, और संडे की इवनिंग में ही हम लोग टेस्ट देते हैं। उसके बाद अगला दिन जो है मंडे का, उस दिन आप लोगों का एनालिसिस चलता है, और फिर ये साइकिल जो है इसी तरह से चलती रहती है। और अब ज़्यादा सिलेबस बचा नहीं है, इसके बाद जब इन लोगों का सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूंगा अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते तक, फिर उसके बाद एक बूस्टर प्लान कर रहे हैं। लेकिन वो तभी आएगा जब बच्चों का इंटरेस्ट होगा और चैनल पे कुछ रेस्पॉन्स दिखेगा, तभी मैं बूस्टर लेके आऊँगा। और उस बूस्टर के थ्रू आप विश्वास मानिए कि बहुत सारे जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को तो बेनिफिट होगा ही, लेकिन न्यू स्टूडेंट्स को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट उस चीज़ से मिलेगा। चलिए फिलहाल मैं यहाँ पर बात करता हूँ। हाँ, अभी जो वीडियो गई है, आप लोगों को पता है मैंने आप लोगों से कहा था कि भैया मैं एक वीडियो दूंगा आप लोगों को न्यूमेरिकल से रिलेटेड। तो जब मैं न्यूमेरिकल समझाने की कोशिश करने चला, मतलब मैंने सोचा कि भाई समझाऊं इन्हें कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करना है, तो मैं सोच रहा था कि मैं आपको टाइम एंड वर्क का भी लूंगा, मतलब सारे के सारे फॉर्मूलों से रिलेटेड क्वेश्चंस लूंगा और फिर आप लोगों को समझाऊंगा कि हाँ भाई कौन सा क्वेश्चंस किस तरह से अटेम्प्ट करना है और हमें फॉर्मूलों को कैसे सेलेक्ट करना है कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। फिर जब मैं करने, मतलब मैं वीडियो बनाने की स्टार्ट कर रहा था, फिर मैंने सोचा कि यार बच्चों को तो समझ ही नहीं आएगा, कोई आधे से ज़्यादा बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें ये नहीं पता कि एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स क्या होता है, वर्क क्या होता है, डिफरेंस ही नहीं पता है उन्हें, तो वो क्वेश्चन क्या कर पाएंगे, उन्हें यूनिट्स ही नहीं पता है, ना उन्हें फॉर्मूलाज पता है, तो वो क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इन बच्चों को पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा के कुछ न्यूमेरिकल समझा दूं, और फिर उसके बाद मतलब 2-3 चैप्टर के साथ ऐसा करके, और फिर उन दोनों तीनों चैप्टर से, क्योंकि देखो अगर आपने ये वाले चैप्टर्स कर लिए तो इससे आप लोगों को डबल बेनिफिट होगा। क्यों? एक तो आपको यूनिट्स आ जाएंगी, तो जब मैं यूनिट्स वाला लेक्चर लूंगा तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगा यूनिट्स कैसे निकालते हैं, मतलब उसकी बीमाएँ कैसे निकालते हैं, मात्रक कैसे निकालते हैं। तो इसलिए मैं पहले सोच रहा हूँ कि जैसे मैंने इसके कॉन्सेप्ट कराए, अब मैं इसके न्यूमेरिकल्स करा दूंगा आप लोगों को, फिर एक दूसरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट करा के, न्यूमेरिकल करा के, और फिर मैं एक वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए जिसके थ्रू आप लोगों को ये समझाऊँगा कि भैया कैसे आप लोगों को मात्रक निकालने हैं और कैसे आप लोगों को ये पता लगाना है कि कितनी आसानी से आप लोग क्वेश्चन को देखते ही बता दोगे कि मैं यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, और आप लोगों का एक भी न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा अगर आप लोगों ने ये चीज़ें समझ ली। तो आप लोग ये मत समझना कि भैया वीडियो का टाइटल था कि न्यूमेरिकल कैसे अटेम्प्ट करें और आपने तो न्यूमेरिकल, मैंने उसमें 6-7 न्यूमेरिकल कराए हैं, लेकिन एक वीडियो प्रॉपर न्यूमेरिकल पे आएगी, और वो तभी आएगी जब मैं आप लोगों को 2-3 चैप्टर के कम से कम कॉन्सेप्ट समझा दूंगा और उसके न्यूमेरिकल करवा दूंगा, और फिर सारे के सारे मिक्स करके मैं दिखाऊंगा कि अब बच्चा जब कंफ्यूज, अभी तो आप सोच रहे हो मोशन के, तो मोशन के फॉर्मूला लगा दो, जब मिक्स हो जाएंगे क्वेश्चन तब कैसे करोगे, वो वाली चीज मुझे सिखानी है जिससे कि आप लोग एग्जाम में ना फंसो बस। और वो तभी होगा जब आप लोग कॉन्सेप्ट और चीजों को समझ लोगे। जैसा कि आज भी मैं बता रहा हूं, जिस बच्चे ने वीडियो नहीं देखी है प्लीज जाके वीडियो देख लो, बहुत अच्छे से आप लोगों को सारे टर्म्स क्लियर हो जाएंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, सारी चीजें बहुत अच्छे से जब समझ आ जाएंगी तो एक भी क्वेश्चन में आपको करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, और फिर मैं बाकी चीजें आप लोगों के सामने लेके आऊंगा और बहुत आसानी से सारी चीजें हो जाएंगी। चलिए यहां पे कुछ, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन जो मैंने हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर कराया था, हाँ हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर कराया था और एक टेम्परेचर वाला चैप्टर कराया था, टेम्परेचर वाले चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन था और इतना ईजी है। अब मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन में एक चीज समझाता हूं कि इसे कब रीजनिंग का क्वेश्चन समझना है और कब ये क्वेश्चन आप लोगों को साइंस का समझना है। देखो सबसे बड़ी एक बात याद रखना, अगर यहां पे ये डेटा उसने लॉजिकल दिया है, मतलब ये साइंस का लॉजिक दिया है उसने कि 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 274 केल्विन, ये रियल है, मतलब सच में ये होता है, तब आप लोगों को साइंस का ही लॉजिक लगाना है, चाहे वो क्वेश्चन रीजनिंग का है या कुछ भी है, तब भी आपको लॉजिक साइंस वाला ही लगाना है अगर उसने ये चीज सही दी है। सही का मतलब ये है कि जैसे 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 273 केल्विन, तो 1 डिग्री सेल्सियस का मतलब उसने 274 केल्विन दिया है, मतलब उसने लॉजिक लगाया है सही। तो आप लोगों को 2 डिग्री सेल्सियस का मान 274 का दुगना नहीं करना है, जब 0 डिग्री सेल्सियस का मान 273 है, 1 डिग्री सेल्सियस का मान उसने 274 बताया है, तो 2 डिग्री सेल्सियस का मान 275 होगा, ये साइंटिफिक है। अब मैं बता रहा हूं इसका दुगना कब होगा आंसर। अब अगर मान लो वो ये कह देता कि 1 डिग्री सेल्सियस बराबर यहां पे लिख देता 20 केल्विन,
तब 2 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या? तो अब इस क्वेश्चन में साइंस का कोई लॉजिक नहीं है, अब आप इसे किसके रीजनिंग के लॉजिक के बेस पर क्वेश्चन कर सकते हो और आंसर 20 दे सकते हो। समझ आ गई? जब साइंस का लॉजिक फिट हो रहा है और आपको पता है कि वो चीज सच है, तब आप लोगों को और कोई लॉजिक ढूंढने की जरूरत नहीं है। समझ आ रही है ना? ये दुगने वाला लॉजिक तब लगेगा जब यहां पे इन दोनों का कोई मेल ही ना हो। समझ आ रही है ना? बस इस चीज का ध्यान रखेंगे और इस क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करेंगे, और अगर ये इस तरीके से क्वेश्चन आया ना तो ये क्वेश्चन फिर भी फंसेगा। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर ये ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आ गया तब भी इसको इसके जो है मल्टीपल ऑप्शन चूज करके ये क्वेश्चन इग्नोर किया जाएगा, ये क्वेश्चन माना नहीं जाएगा। इसलिए ऐसा क्वेश्चन कभी आएगा नहीं, रियल वैल्यू के साथ ही क्वेश्चन आएगा आप लोगों के लिए, ठीक है? तो बिल्कुल ना घबराएं, जो क्वेश्चन जिस तरीके से दिया गया है 274 केल्विन, तो मैंने आप लोगों को बता दिया जब 0 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू 273 है तो 1 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू 274 होगी, इसीलिए 2 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी होगी 275 होगी, क्योंकि डिग्री सेल्सियस को जब डिग्री केल्विन में बदलते हैं तो 273 उसमें एडिशन किया जाता है, ठीक है? और कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो टेम्परेचर वाला लेक्चर देख लो, आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है? और अगर मुझे वीडियोस पे रिस्पॉन्स सही नहीं दिखा तो आप विश्वास मानिए कि आगे जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो चीज़ें नहीं कराऊंगा, लेकिन मेरा मानना यही है कि बूस्टर शुरू होने से पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को समझा दूं, जिससे कि आप लोगों को जब बूस्टर में लेकर आऊं तो आसानी हो जाए। रीजनिंग के कुछ चैप्टर्स हैं, मैथ के कुछ चैप्टर्स हैं, उन्हें मैं करवा दूं तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन में, इसमें बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही है बच्चों की, इस क्वेश्चन को भी देखिए, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, कार्य तभी हो सकता है जब हो, उसके अंदर क्या चीज हो जब कार्य हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, आंसर कुछ बच्चे कह रहे हैं फोर्स है, कुछ कह रहे हैं एनर्जी है, कुछ मोमेंटम संवेग जो भी है, मैक्सिमम बच्चे फोर्स बता रहे हैं फिर एनर्जी बता रहे हैं। अच्छा आप एक बात बताओ, मैंने आप लोगों को क्या समझाया नहीं था, जब मैंने आप लोगों को समझाया था टाइम एंड वो इसमें वर्क एंड एनर्जी में, तो मैंने क्या आप लोगों को चीज बताई थी कि जैसे ये मान लो दीवार है, बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, बोर्ड को तो मैं हिला ही दूंगा, बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, ये दीवार है और मैं इस पर जितना मन चाहे उतना धक्का दे लूँ, यहाँ से ऐसे मैं खूब धक्का दे रहा हूँ, खूब धक्का दे रहा हूँ, क्या ये दीवार अपनी जगह से हट रही है? नहीं हट रही ना। साइंस की भाषा में या फिजिक्स की भाषा में कार्य होना तभी माना जाता है जब कोई वस्तु अपनी जगह से विस्थापित हो जाए। मैंने बताया था ना, कई जगह पे आपको लगेगा कि आप बहुत सारा काम कर रहे हो, जैसे वो एक एग्जांपल था कि सर पे लेके कुछ खड़ा है, कोई कार्य पूछ रहे थे, समझ आ रही ना? कई जगह पे आपको लगेगा कि आप बहुत सारा काम कर रहे हो, लेकिन रियल में फिजिक्स की लैंग्वेज के हिसाब से आप काम नहीं कर रहे हो। यहाँ आंसर फिजिक्स की लैंग्वेज के हिसाब से ही देना है। तो उसने बोला है कि कार्य तभी हो सकता है जब फोर्स हो, मतलब विस्थापन, ऑप्शन तो या तो फोर्स और विस्थापन दोनों होता तब तुम इस आंसर को बोलते, खाली फोर्स के बेस पे तो कभी भी आंसर नहीं हो सकता ना। भाई मैं यहाँ पर फोर्स लगा रहा हूँ, खूब फोर्स लगा रहा हूँ, ये हिल ही नहीं रहा, क्या मतलब बनता है कार्य हुआ नहीं हुआ ना? तो फोर्स आपका आंसर नहीं है। मोमेंटम की बात करूँ, संवेग की तो बात ही छोड़ दो, यहाँ कुछ मतलब ही नहीं है, पावर की बात नहीं है, पावर अब वाली मत समझ लेना, पावर फिजिक्स के हिसाब से अलग होती है, कभी तुम सोचो कि मेरे अंदर इतनी पावर है, ठीक है वो चीज़ छोड़ो। अब बात आती है एनर्जी क्यों है आंसर। आपको ये पता है कि भैया जब किसी चीज़ पे आप फोर्स लगाओगे और वो डिस्प्लेस हो गई, कहने का मतलब क्या है, आपने क्या कर दिया, जैसे बोलते हैं ना कार्य करने से वस्तुओं की ऊर्जा में परिवर्तन होता है, तो अगर ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है या ऊर्जा है तभी कार्य होगा, अदरवाइज कार्य नहीं हो सकता है। तो ये क्वेश्चन था, कार्य तभी हो सकता है जब उसमें क्या हो, ऊर्जा हो, और ऊर्जा एक फॉर्म है किस चीज़ की, कार्य की। तो इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है, मतलब कार्य तभी हो सकता है जब उसके अंदर ऊर्जा होगी, और ऊर्जा और कार्य दोनों लगभग सेम ही है, एक तरह की कार्य की एक फॉर्म है ऊर्जा। समझ आ गई आप लोगों को? तो इस तरह से आप लोग टेंशन ना लें यहां पे। और एक चीज और याद रखें, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज करते ही हैं, तो उन क्वेश्चन से निपटने का सबसे अच्छा तरीका होता है, क्योंकि वो बोलता है बेस्ट सुइटेबल आंसर बताना है आप लोगों को, ये नहीं है कि बिल्कुल सही हो, जो सबसे सही चारों में से है वो बताना है आप लोगों को। समझ आ रही है ना? तो यहां चारों में से अगर सबसे सही आंसर मानोगे तो सिर्फ फोर्स कुछ नहीं कर सकता है, संवेग की बात करें तो वो भी, इनकी तो छोड़ ही दो, इन दोनों में कंफ्यूजन है, तो सिर्फ फोर्स के बेस पे कुछ नहीं कर सकते ना। मैंने बता दिया आप लोगों को, फोर्स कितना भी लगाते रहो कार्य नहीं होगा फिर, जब तक डिस्प्लेस नहीं होगी, डिस्प्लेस हो गई तो उसके अंदर ऊर्जा आ गई, समझ आ गई ना? तो इसलिए उसका आंसर होगा ये। अब मैं बात करता हूं आप लोगों को टेस्ट कौन सा लगाना है।
ठीक है। उससे पहले मैं आप लोगों को ये समझा दूं कि जिन लोगों ने भी अभी तक टेस्ट सीरीज वगैरह परचेज नहीं की है, अब आप लोगों को समझ आ ही गया होगा, कुछ भी हाय हल्ला करने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों के टेस्ट में भी इसीलिए मैं रख रहा हूँ कि आप लोग समझ सको और जेन्युइन रिव्यू देना। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, ना मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि भैया मेरी वजह से तुम सच बोलो झूठ बोलो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज आप लोगों के टारगेट में मैंने इसीलिए टेस्ट नंबर क्या रखा है, PYQ जो दोगे, जो प्रीवियस ईयर टेस्ट दोगे आप, जो 10 तारीख को फोर्थ लेवल का, जो देख रहे लेवल फोर का, जो लेवल फोर का एग्जाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, वो आप लोगों को लगाना है। और उसमें सुनो क्या करना है, अभी अभी भागे मत जाओ आगे, उसमें आप लोगों को जो लगाना है, आप लेवल फोर का जो है वो लगाओगे, लेवल फोर का PYQ फर्स्ट शिफ्ट जो 10 मई को हुआ है, ठीक है। इसमें आप लोगों को GK पे ध्यान नहीं देना है। आपका जो पूर्णांक रख रहा हूं मैं, जो आपका टोटल पूर्णांक रख रहा हूं मैं, मतलब जो आपका टोटल है वो है 85 से 90 नंबर का, ठीक है। और इसमें आपके तीन चीजें काम की हैं बस, कि क्या 35 की रीजनिंग, 35 का मैथ और 10 से 15 नंबर की करंट, बस, या स्टैटिक, ये आपका सिलेबस है। तो इसमें से अपने सिलेबस में से आप कितने मार्क्स लेके आते हैं ये रियल में आप लोगों को बताना है। मैं वो नहीं कह रहा हूं कि सारे क्वेश्चन करो, आपका मतलब भी नहीं है, ग्रुप डी के हिसाब से वो चीजें हैं भी नहीं, ठीक है। आप मैथ्स करिए उसका, रीजनिंग करिए, जबकि मैथ्स और रीजनिंग का लेवल उसका ठीक होगा, लेकिन फिर भी आप करिए। और मुझे जेन्युइन रिव्यू चाहिए, आप कमेंट में जरूर बताना क्या वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने कभी टेस्ट में नहीं देखे हैं, जो आप टेस्ट सीरीज लगाते हो, क्या आपने कभी वो क्वेश्चन ही नहीं देखे हैं टेस्ट में, या मैंने जो ऑफलाइन टेस्ट लगवाए हैं या जो मैंने आप लोगों को टारगेट में दिया है, सच सच बताना क्या आपने वो कभी देखे ही नहीं है ऐसे क्वेश्चन, जो ऐसे क्वेश्चन आ गए हैं या विदेश से आ गए, मैथ्स और रीजनिंग की बात कर रहा हूं। जरूर से जरूर कमेंट करेंगे तो आप लोगों को पहला टेस्ट तो लगाना है वो जो मैंने आप लोगों को बता दिया, मैं अभी प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम ग्रुप में। दूसरा आप लोगों को टेस्ट नंबर लगाना है 27, फुल टेस्ट नंबर 27 लगाना है, फुल टेस्ट नंबर 27। ये टेस्ट आप लोग लगाएंगे टेस्ट बुक एप्लीकेशन पे, ठीक है। टेस्ट बुक एप्लीकेशन के टेस्ट के बारे में बहुत ज्यादा निगेटिविटी फैली हुई है, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भैया मेरे कहने से लगाओ आप, इसीलिए मैंने आप लोगों को वो टेस्ट दिया है। आज आप टेस्ट दो, कौन सा, जो 9 और 10 मई को पेपर हुआ है उसमें से 10 मई का, मतलब लेवल फोर का पहला टेस्ट फर्स्ट शिफ्ट वाला, और फिर आप लोग मुझे बताओ पेपर के अकॉर्डिंग कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और क्या आपने वो क्वेश्चन कभी देखे नहीं थे या बिल्कुल विदेशी क्वेश्चंस आए हैं, तो आप लोगों को रियलिटी खुद पता चलेगी। और जिन लोगों ने अभी तक टेस्ट सीरीज वगैरह परचेज नहीं की है और वो परचेज करना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं टेस्ट सीरीज का कभी मकसद ये नहीं होता है कि एज इट इज क्वेश्चन आप लोगों को फंसे हुए मिल जाएंगे। भाई डिजिट्स भी चेंज होंगी, नाम रोहन राकेश है तो रोहन राकेश नहीं मिलेंगे, कुछ और मिल सकते हैं, साइन थीटा की जगह साइन अल्फा मिल सकता है, साइन बीटा मिल सकता है। तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि साइन थीटा है तो साइन थीटा ही आए तभी क्वेश्चन सेम होगा, तो ऐसा तो ना हो सकता भाई, यहां 12-15 दिन लग रखा है, वहां 20-30 दिन भी हो सकता है, तो सेम तो कभी नहीं मिलेगा किसी भी टेस्ट सीरीज से जाके देख लो, ठीक है। और बाकी टेस्ट सीरीज का मकसद होता है कि अपने आप को मैनेज करना, अपने टाइम को मैनेज करना, अपने आप में डे बाई डे इंप्रूव करना। टेस्ट सीरीज का कभी मकसद ये नहीं है कि भैया एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन फंसा देगा, आप अपना टाइम मैनेज करना सीख रहे हो, टेस्ट देने से आप बहुत सारी चीजें सीखते हो, तो ये मकसद कभी टेस्ट का ना था ना है कि भैया बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन फंसा देंगे हम तुम्हारे, ठीक है। तो बाकी आपकी मर्जी है, टेस्ट ना दे, ना देने से तो 100 जगह अच्छा है टेस्ट दे रहे हो आप, जो बच्चा नहीं दे रहा है उससे 100 गुना अच्छे हो जब आप टेस्ट दे रहे हो, क्योंकि कुछ तो एक्स्ट्रा आप लेके ही जा रहे हो। अगर क्वेश्चन नहीं फंस रहे तो वो किसी के भी नहीं फंस रहे होंगे, या तो मुझे ऐसा कोई बंदा बता दो कि इसका फंसा था और इसका नहीं फंसा, मतलब इस वाली कोचिंग इंस्टीट्यूट का फंसा था या इस एप्लीकेशन का फंसा था, इससे नहीं फंसा। बात आई बुक्स की तो आप खुद बताओ टारगेट्स के थ्रू मैं करता क्या हूं, आप लोगों को बुक्स का ही तो बढ़ावा देता हूं कि आप अपनी बुक्स से पढ़ो, अपनी बुक्स से टारगेट कंप्लीट करो, कहीं से भी करो लेकिन बुक कंप्लीट करो उस चीज को, ठीक है। यूट्यूब के बाजार से तभी तो मैंने बचाया आप लोगों को, और किया क्या। चलिए फिर, जिन लोगों ने अभी तक टेस्ट सीरीज वगैरह परचेज नहीं किया, अगर वो परचेज करना चाहते हैं तो आज रात 12 बजे तक लास्ट डेट है उनकी 18 मंथ का पास मिलने की, बाकी तो पास कंटिन्यू रहता है। तो जो 18 महीने का पास लेना चाहते हैं ₹360 में, GSP 10 अगर यूज करोगे, 399 का है वैसे वो, लेकिन अगर GSP 10 आप यूज करोगे, क्या GSP 10, तब आप लोगों को ये मिल जाएगा
360 रुपीज में, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, आपका मन है, लेना चाहो लो, ना लेना चाहो तो किसी का कोई दबाव नहीं है भैया। पढ़ोगे आप, सिलेक्शन आप लोगे, लेकिन जिस दिन एक नंबर दो नंबर से सिलेक्शन रहेगा उस दिन आप ही कहोगे कि भैया प्रैक्टिस कर ली होती तो ज्यादा अच्छा होता। ऑफलाइन प्रैक्टिस मैं करवाता ही हूँ, ऑनलाइन प्रैक्टिस सैटरडे संडे होती है, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। इतना जरूर से जरूर करें, एक दोबारा बता रहा हूँ, 27 नंबर फुल टेस्ट दोगे टेस्ट बुक एप्लीकेशन पे। जिनके पास एप्लीकेशन नहीं है डाउनलोड कर लो, टेस्ट सीरीज परचेज करनी है परचेज कर लो। PYQ लगाना है, कितना, 10 मई की फर्स्ट शिफ्ट का। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।